को लेकर वोटेंगे, क्या सोचे हैं वोट को लेकर? वोट के लिए क्या सोचना, विकास के लिए सोचना, जो विकास किया उसी को वोट देना है। सामने चुनाव में हम लोग तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। क्या रहेगा इस बार मुद्दा चुनाव में? मोदी रहेगा। अच्छा, क्या इस बार क्षेत्र में? इस बार क्षेत्र में बीजेपी को मोदी जी को दिया जाएगा। वोट इस बार किन मुद्दों को लेकर देंगे? देंगे मोदी को देंगे। अच्छा, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा वही मोदी को दिया जाएगा, लेकिन मेरे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्षेत्र में पार्टियां लगातार घूम रही है। इसी परिप्रेक्ष में मेरी मौजूदगी अहमदाबाद प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत में, और दुर्गापुर पंचायत का ये चौक है, महज यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल सीमा लगता है। और मैं लोगों से इस बार चुनावी मुद्दे पर बात करने का प्रयास करूंगा कि इस बार कटिहार का सांसद कौन बनेगा, क्या कुछ कहते हैं लोग, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण में मतदान होना है, इसको लेकर लोगों की क्या राय है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है? खिलौन मंडल। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने का? विकास का मुद्दों पर वोट होगा। कितना विकास हो पाया आपके क्षेत्र? विकास तो कुछ कुछ हुए हैं मोदी सरकार के, जो रोड रास्ता सही बना है, खाद्यान्न देते हैं फ्री में, राशन देते हैं मोदी सरकार, उसी विकास पर वोट होगा मोदी सरकार की। इन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या कुछ कहते हैं लोग, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सुशांत मंडल। कितने दिनों से यहाँ पे दुकानदारी करते हैं? 2-3 साल से। इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में, वोट देते हैं कि नहीं? देते हैं। क्या रहेगा मुद्दा? क्या रहेगा, सब जो देगा वो देंगे, जो बढ़िया लगेगा। जी, क्या लगता है आपको, कौन बढ़िया लगता है? अब सोचेंगे। अभी सोचे नहीं है, महज कुछ दिन बचा हुआ है, सोच लेंगे सब। चलिए, ये कह रहे हैं कि सोचेंगे, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहते हैं चुनाव को लेकर लोगों की इस बार क्या तैयारियां हैं, आगामी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, क्या रहेगा इस बार मुद्दा? जी हाँ, इस बार का मुद्दा विकास का ही है। आगे की तैयारी देखिए, यहाँ पर मैं जो लोकल का समस्या है, वो महिला कर्मी, स्वच्छता कर्मी और सफाई कर्मी जो है, इन लोग को बेवजह से खटाया जा रहा है, इन लोगों को डिमांड को ठुकराया जा रहा है, शिक्षकों का भी डिमांड को ठुकराया गया, इस तरह से आंगनवाड़ी का जो डिमांड था, पटना में जो हड़ताल हुआ था, अनशन हुआ था। चलिए, ये तो था वर्तमान सरकार मुद्दे की बात, लेकिन हजारों लोगों का डिमांड को ठुकरा दिया गया। क्या नाम है आपका? सुधीर मंडल। क्या करते हैं यहाँ? लेबरी करते हैं। अच्छा, क्या रहेगा इस बार मुद्दा चुनाव में? मोदी रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या उनमें अच्छाई है, क्या है? मोदी अच्छा है। अच्छा है, चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं चुनाव को लेकर और इस मुद्दे को लेकर, क्या है इस बार चुनाव में वोट देते हैं? जी, मैं दे सकता हूँ। इस बार वोट देंगे? देंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार क्षेत्र में? इस बार क्षेत्र में बीजेपी को मोदी जी को दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मोदी जी का तो नहीं है, जदयू प्रत्याशी है दुलाल चंद गोस्वामी जी, उसी को दिया जाएगा। चलिए, क्या है उनमें अच्छाई के, किस तरह? उसका अच्छाई यही है कि हम लोग का विकास हो रहा है, रोड जो बन रहा है, हम लोग का हाईवे बन रहा है, वो अच्छी तरह से कार्यक्रम हो। हमारे साथ और भी लोग हैं, कुछ महिला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखा मंडल। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम बोलते हैं कि हम लोग जो वार्ड में झाड़ू लगाते हैं, उसको हम लोग सरकारी होना चाहते हैं। काहे जो घर घर जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए, कूड़ा मांगने के लिए, घर घर 30 रुपया नहीं देते हैं, हम लोग से झगड़ा करते हैं, हम लोग से झाड़ू लेकर भगाते हैं कि हमारा लिए तुम नौकरी लिए हैं, जो 30 रुपया देंगे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे, हम लोग को वेतन ढंग से नहीं मिलते हैं। ये आपकी समस्या है, लेकिन वोट इस बार किन मुद्दों को लेकर देंगे? देंगे मोदी को देंगे। अच्छा, उनके द्वारा कुछ काम आपको मिला, रोजगार वगैरह मिला है? अच्छा, हम लोग को झाड़ू वाला काम सक्सेस हो जाएगा तो हम लोग और खुश मनाएंगे। हाँ। उससे मोदी सरकार से हम बहुत खुश मनाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा अग्नि मंडल है। क्या रहेगा इस बार चुनाव में मुद्दा? 26 अप्रैल को वोट है, मतदान करने जाएंगे ना? हाँ, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा वही मोदी को दिया जाएगा, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि आप चारों तरफ हमारे ये बिहार के अंदर, अभी बिहार खास ये बिहार है, इस जगह पर, हर जगह पर, झारखंड में, बंगाल में, सबका 1000 रुपया करके ये है वृद्धा पेंशन है, और हमारे बिहार के अंदर 400 रुपया है। क्यों, किस लिए?
जैसे कि हम काम करने वाला आदमी, हमारे लिए कोई काम नहीं है। बिल्डिंग में काम करने वाला आदमी हम, जैसे कि हम, हमारे लिए कोई काम नहीं है। क्या करेंगे, मुद्दा चुकाएंगे कि किसी को डाका डालेंगे? बताइए, घर घर में मुखिया, घर घर में सरपंच, सब खाता है, अपना पीता है, यस करता है। कोई किसी का गरीब को, गरीब का हाल कुछ नहीं जानता है। वोट किसको लेकर क्या सोचे हैं? वोट तो वही मोदी को दिया जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, क्या करते हैं आप काम? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? वोट देंगे ना? हाँ। किन मुद्दों को लेकर वोटेंगे, क्या सोचे हैं वोट को लेकर? वोट के लिए क्या सोचना, विकास के लिए सोचना, जो विकास किया उसी को वोट देना है। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ। आदमी माठ पर पैखाना करता है, वो अब घर के अंदर पैखाना करता है। चूल्हा फूकते फूकते आँख जलता था, वो आराम से एकदम फाइटर लगा के जलाता। अच्छा। और बहुत सारे सुविधा मिला है। सुविधा मिला है जी। तो इस बार कमल खिलाएंगे या इंडिया गठबंधन? जो विकास किए करेगा उसी को वोट मिलेगा। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर लोग जो है वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमल कुमार सिंह जी। इस बार क्या रहेगा मुद्दा? चुनाव सामने है 26 को। 26 तारीख को जो चुनाव सामने आ रहा है, ये सामने चुनाव में हम लोग तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के साथ श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हम लोग को कटिहार जिला उम्मीदवार हैं, उन्हीं को हम लोग तन मन धन से वोट देने के काम करेंगे। उनके कार्यकाल में कितना विकास हो पाया? बहुत ज़्यादा। हमारे मनिहारी में पुल बना, अहमदाबाद प्रखंड से लेकर बंगाल सीमा तक पुल बना, रोड के निर्माण हो रहा है, कदुआ में पुल बना है, बहुत सारा विकास दुलाल जी किए हैं। उस मुद्दा पे हम लोग उनको काम को देख के बहुत सारा हम लोग उनको तन मन धन से वोट में उनको हम लोग मदद करेंगे। और आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। कफन पहन के आए हैं, कफन बांध के ही मरना है। विकास के मामले में जो भी विकास का वो प्लेट, नाम प्लेट वगैरह उद्घाटन दिखाया जाता है, शाह तारिक अनवर का नाम पाया जाता है, मनोहर सिंह का नाम पाया जाता है, अहमदाबाद में, चौकिया पहाड़पुर में, भवानीपुर में, कहीं भी एक दिखा दीजिए जो बीजेपी का, बीजेपी पार्टी का कोई सांसद या MLA MP किसी चीज का उद्घाटन किया हो। अच्छा, इस क्षेत्र की अगर समस्या की बात करें तो किन सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये समस्या पिछड़ा ही पिछड़ा है। यहाँ पर हमें कोई भी गरीब किसी भी काम के लिए ऑफिस पर जाने पर डायरेक्ट काम ही नहीं करवा सकता है। बगैर दलाल का, बगैर एजेंट का वो किसी भी काम को निकाल नहीं पाता है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हालांकि ये चौक जो है बंगाल और बिहार के सीमा पर लगता है, सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री पर टिकी है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ कई दुकानदार हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वो वोट करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीरुल इस्लाम है। क्या रहेगा इस बार वोट में मुद्दा? वोट में मुद्दा रहेगा रोजगार, और जो हम लोग का माना क्षेत्र है वो फ्लैट एरिया है, नदी का कटौती हो जाता है, बार बार हम लोग पलायन करते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, हर साल यही दिक्कत है। यही सब दिक्कत दूर हो जाए, सबको दिक्कत दूर हो जाएगा। क्या लगता है कितना विकास हो पाया? विकास पर पहले सब कुछ हुआ नहीं। हम लोग जो चाहते हैं जो मैंने कम से कम दोनों नदी का कटौती से बच जाए, यही तो हम लोग चाहते हैं। देश में इस बार कमल खिलाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए, वो आगे चलकर हम तो बोलने से अखिलेश नहीं होगा। जहाँ तक उम्मीद है, देखिए इस बार यहाँ तो दुलाल गोस्वामी अभी तक तो ना आया है, ना कोई पार्टी का आया है, ना कैसे हम बोलेंगे। चलिए, इनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, और ख़ास तौर से अगर बता दूं कि अहमदाबाद क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र माना जाता है, और हालांकि इसको लेकर लोगों की क्या राय है हम जानने के लिए मैदान में है, और ख़ास तौर से ये बंगाल सीमा का क्षेत्र में 2 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल है। लोग क्या कहते हैं इसको लेकर, इस बार किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे, क्या कह रहे हैं चुनाव को लेकर, और इस बार क्या मुद्दा है वोट को लेकर? जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मंडल। कहाँ घर है आपका? नेता नगर बालूगांव भवानीपुर। बिहार में है ना जी। क्या रहेगा इस बार मुद्दा, वोट देते हैं? वोट तो देते हैं। क्या रहेगा इस बार मुद्दा? तो बोल नहीं सकता अभी क्या होगा। क्षेत्र में विकास वगैरह हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ था। कितना विकास हो पाया? विकास तो बहुत हुआ। विकास हुआ हाँ। तो वोट तो सोचे होंगे ना कि किन मुद्दों को लेकर? सोचे नहीं, अभी आने वाला समय में अब सोचे देंगे किसको देंगे। आने वाला समय कहाँ है आपके पास? ज्यादा समय कहाँ है? तो नहीं जी। क्या नाम है आपका? क्या बोलेंगे, बोल दिया आपका तो होगा ना, इधर बिहार के है ना जी। कहाँ के? बबला बन्ना। बबला बन्ना के। वोट तो देंगे ना? वोट तो देंगे। कितना हुआ बबला बन्ना में विकास?
कटाव का क्षेत्र है, कुछ नहीं विकास कौन चीज हुआ, कुछ नहीं हुआ, कटते जा रहा है। तो फिर इस बार क्या मुद्दा रहेगा वोट में, क्या सोच के रखे हैं, क्या किस बात को लेकर वोट करेंगे? वोट जो काम करेगा उसी को देंगे। काम हुआ कि नहीं? नहीं काम नहीं हुआ तो फिर कैसे क्या सोचे? वोट नहीं देंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि चुनाव को लेकर लोगों की जो राय है वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। जी क्या नाम है? विकास चंद्र मंडल। विकास चंद्र मंडल, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हाँ, मोदी को वोट देंगे। अच्छा हाँ। क्या है उसमें, क्या कितना विकास हो पाया? नहीं, हम लोग का बहुत विकास हुआ है। विकास हाँ, हुआ। मोदी को वोट देंगे, विकास सिर्फ मोदी को चिंते हम लोग। अच्छा चलिए, लोगों की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है और इसको लेकर लोगों ने जो मन बनाया है वो तो आने वाला 4 जून को ही हो पाएगा कि कटिहार का सांसद आखिर कौन होगा। दीजिए मुझे इजाजत, मैं आपको दूसरे चौक चौराहे पर फिर मिलूंगा। मैं मोहम्मद इम्तियाज, KBC News, अहमदाबाद।